हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए कि जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आपको किस क्षेत्र में नौकरी मिलेगी, सरकारी जॉब मिलेगा या प्राइवेट नौकरी करेंगे या राजनीति के क्षेत्र में जाएंगे या प्रशासन में जाएंगे, आज आपका भाग्योदय क्या होगा, सारी बात आज हम आपको बताएंगे। और आज आपके घर में किलकारी गूंजेगी या सहनाई बजेगी या शुभ कार्य का योग है या निर्माण कार्य का योग है, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको भी बताएंगे कि आज आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ दिन क्या है, शुभ रंग क्या है और आपको किस क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए और आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, उपाय क्या करना चाहिए और आपकी राजनीतिक स्थिति क्या रहेगी, आप पूजा किसकी करें, ये सारी बातें बताएंगे जिससे आपका आपके लिए अच्छा हो। इस सब पर आज हम आपसे बात करेंगे कि आज आपकी राशि में क्या लाभ होने वाला है। आइए हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए कि जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपकी यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, ख्याति मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। अगर कोई भी नए प्रकार का व्यवसाय या बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अगर कोई भी नया कार्य नया प्लान कर रहे हैं तो उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी, माली हालत आपकी बहुत अच्छी होगी और दूर देश की यात्रा का भी योग बन रहा है। माता पिता का सुख मिलेगा, नए तरह के कार्यों से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। देखा जाए तो बहुत सारे कार्य एक साथ होने से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, सरकारी नौकरी उच्च पद प्राप्ति का भी योग बन रहा है। यदि आप लेखन कार्य करना चाहते हैं या किताब लिखना चाहते हैं, कहानी लिखना चाहते हैं या फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं या कोई एक्टिंग करना चाहते हैं तो आपको उस फील्ड में बड़ी सफलता मिलेगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का भी योग बन रहा है। तो देखा जाए तो यह कालखंड आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल रहेंगे, परिवार में भाई बहनों से अच्छा सुख मिलेगा, घर में अगर कोई भी नए प्रकार की जिम्मेदारी होगी वो पूर्ण करने में सफल रहेंगे, दूर देश की यात्रा का भी योग बन रहा है, माली हालत आपकी काफी अच्छी होगी और माता पिता का सुख मिलेगा। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अभी थोड़ा रुकें, अभी बाद में खरीदने की जरूरत है, अपने बजट को देखने की जरूरत है। आय से अधिक व्यय करने से आपका बजट डिसबैलेंस हो सकता है। घर में नए मेहमान के आगमन से मन प्रफुल्लित रहेगा। भूमि वगैरह खरीद सकते हैं, उसका प्रबल योग बन रहा है। यदि आपकी प्रॉपर्टी में कुछ पैसे फंसे होंगे या लिटिगेशन वगैरह होगा तो उसमें आज आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। बहुत सारे कार्य जैसे आपके अगर अपने गुरु और शत्रु से घिरे हुए महसूस कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में कटुता है, ये सारी समस्याओं का समाधान होगा। रोग और शत्रु परास्त होंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, पत्नी को नौकरी मिल सकती है, नए तरह के कार्य हो सकते हैं, आय का जरिया बढ़ेगा, देश विदेश की यात्रा का भी प्रबल योग बन रहा है। खर्च पर थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है, आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, खर्च पर नियंत्रण करना है। उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और नए तरह के कार्य करने से थोड़ा सा बचना, तो आप भगवान माता दुर्गा की आराधना करें आपके लिए बेहतर रहेगा। आज आपको आपके लिए शुभ अंक है एक और शुभ रंग है केसरिया। हरे कृष्णा।